हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं एक एक करके सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना रिप्लाई में एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ रहा है। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हमारे सामने जो स्थितियां हैं, बिहार शिक्षक नियोजन का जो वस्तु स्थिति है, उसको देखकर मन एकदम से अंदर से दुखी हो जाता है। जो लोग नियोजन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका तो दुखी हो ही जाता है, और भी लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं भी लिए हैं, लेकिन फिर भी स्थितियाँ देख के मन दुखी हो जाता है। क्योंकि जो पहले बहाली हुई थी तो उसमें सीटें भी ज़्यादा थी, अभी से ज़्यादा सीटें थी, और उस समय जो मेरिट था इतना हाई नहीं गया हुआ था। इस बार का तो मतलब बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। और देख के मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ इस बात पे कि जो 75% से कम वाले हैं उनका तो लगता है जैसे कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि 80+ वाले इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि मत पूछो। और मैं कल कहीं का मेरिट लिस्ट देखी थी, आप लोग भी देखे होइएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो कंटिन्यू ग्रुप में शेयर हो ही रहा है। किसी और जिले का था, मुझे याद नहीं है, मैं बता नहीं सकती कहाँ का था, बट मैं देखी थी। तो जो अभियुक्ति रहता है ना, उसमें वहाँ पे साइड में मेंशन कर दिया था, जो अदर स्टेट वाले थे उनका साइड में मेंशन कर दिया गया था कि अदर स्टेट वाले हैं, मतलब जिस भी स्टेट के थे ना, तो वहाँ पे लिख दिया गया था। क्योंकि जानते ही हैं अपने बिहार में जो अदर स्टेट वाले हैं उनका और जो बिहार के हैं उनका, दोनों का सेम वैल्यू है, किसी का ज़्यादा या कम नहीं है। तो उस मेरिट लिस्ट को देख के या जो मेरिट गया है इतना ज़्यादा हाई, उनको देख के बहुत सारे लोगों का कमेंट जो है मेरे पास आते रहता है कि मैम मेरा इतना परसेंट है, मेरा हो पाएगा क्या, मेरा इतना परसेंट हो पाएगा क्या, क्योंकि लोगों के मन में बेचैनी है, लोग परेशान हैं बहाली को लेकर। तो मैं बताई हूँ पहले भी कि जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, उसमें भी जनरल कैटेगरी वाले की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है या बुरी है। क्योंकि जनरल कैटेगरी के वाले के साथ क्या होता है कि उनके सीट पे कोई भी आ सकता है, और किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट के हो, तो आता है कहाँ, तो जनरल वालों के सीट पे। तो ऐसे में जनरल में जिनका कम मार्क्स है उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है नियोजन होना। हर बार इस तरह की स्थितियां पैदा होती है, इस बार थोड़ी ज़्यादा ही है। बहुत सारे भाई बहन हमारे इसको लेकर परेशान हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। भीड़ तो कमेगी ही, जो मेरिट आप देख रहे हो, जो स्थितियां देख रहे हो, इतने सारे लोग सारी जगह घूम घूम के अप्लाई किए हैं। जैसे हर एक इंसान को पता होगा कि कोई बोल रहा है मैं 50 जगह किया हूँ, मैं 40 जगह किया हूँ, कोई 100 जगह किया है, कोई कोई तो जिनके कम मार्क्स है वो तो 500-500 जगह कर दिए हैं अप्लाई, कि कहीं तो हो जाएगा। तो स्थिति कुछ इस तरह की है, बेरोजगारी कुछ इस तरह की है कि लोग कहीं भी अप्लाई करने को तैयार हो जा रहे हैं, कहीं भी जाने को तैयार है, बस नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन सोचो, सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले के यहाँ इंसान नहीं है, उनका सीट कोई भी ले लेता है, और मार्क्स होते हुए भी वो नियोजन से वंचित रह जाएंगे और लोगों के तुलना में। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो मैं बताती हूँ। मैं किसी कैटेगरी वाले के पक्ष से नहीं बोल रही हूँ। और हाँ, और एक बीएड डीएलएड को लेकर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं, और आपस में बीएड और डीएलएड वाले भाई बहन हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो इसके विषय में भी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैम इस पे प्रकाश डालिए, इसके बारे में कुछ बोलिए, क्योंकि कोई भी बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है बीएड डीएलएड को लेकर। तो मैं किसी के तरफ नहीं हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा चैनल है, चैनल का काम ये नहीं है कि किसी की तारीफदारी करना और किसी की बुराई करना, मतलब मेरे लिए दोनों बराबर है, जितने बीएड वाले हैं उतने ही डीएलएड वाले, क्योंकि मैं
मेरा काम है लोगों तक जो सच्चाई है, जो सही बात है, उसको पहुंचाना, ना कि किसी का तारीफ ही करना, ना किसी का बुराई करना। तो आपस में आप लोग झगड़ते रहते हो हमेशा, ग्रुप्स वगैरह में भी मैं देखती हूँ। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलूँगी। बीएड वाले के साथ भी बुरा हुआ, क्योंकि जो शुरू में जिस समय आप लोग को भी पता होगा अधिसूचना आई थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि बीएड डीएलएड वाले दोनों अलग अलग रहेंगे, या मतलब तो कुछ भी जो भी है बातें जो नई सामने आई है सो उस समय नहीं थी। बीच में फिर जो संशोधित अधिसूचना जारी की गई तो उसमें ये चीज दिया गया कि जो बीएड वाले हैं उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन किसी ने इस बात पे गौर भी नहीं किया जो भाई बीएड वाले थे, जो बहनें थी। और मैं उनके बारे में इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर करके लोग बहुत जगह अप्लाई किए हैं, और बहुत सारे लोग तो उसमें ऐसे भी हैं जो 1 to 5 में ही अप्लाई किए, 6 to 8 पास होते हुए भी 6 to 8 में अप्लाई नहीं किए क्योंकि सीटें कम थी, भीड़ ज़्यादा थी। तो इसलिए वो सोचे कि चलो भाई किसी में हो जाएगा, 1 to 5 6 to 8 में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 to 5 में हो जाएगा। और इस तरह की बातें थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को प्राथमिकता मिल सकती है। तो लोग उस समय क्या किए कि सिर्फ 1 to 5 में अप्लाई किए। तो वैसे लोगों के बारे में सोचिए, उनको कितना बुरा लगता होगा। सिर्फ मतलब अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, डीएलएड वालों के बारे में भी मैं बोलूँगी कि उन लोगों के पास भी बस इतना ही अवसर है, क्योंकि वो उससे आगे नहीं जा सकते हैं। और बीएड वाले के साथ उनको बहुत सारा मौका मिल सकता है आगे भी, अभी स्टेट होने वाला है उसमें भी उन लोगों का हो सकता है, लेकिन उसमें भी सीटें बहुत कम हैं क्योंकि टोटल सीट को अगर देखेंगे ना, और अब टोटल एक साथ रहता है तो लगता है जैसे बहुत ज़्यादा सीट है। जैसे इसी को देखिए, प्राथमिक शिक्षक बहाली जो हो रही है, तो लग रहा था ना कि 1 लाख हमेशा सुनने को मिलता था, लेकिन जब अपने ब्लॉक पे नज़र डालेंगे, अपने जिले पे नज़र डालेंगे, तब तो पता चलता है कि वस्तु स्थिति क्या है। ठीक है, और उसमें भी वही स्थिति है कि साथ में इतना ज़्यादा सीट है तो लगता है कि 37,000 सीट है, लेकिन वही जब बटेंगे कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो फिर लगेगा जैसे बहुत कम पड़ गया। और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, अभी भी फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुआ है। मैं पूरा नहीं बता सकती कि कितना फिल हुआ है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुआ है क्योंकि जितने भी बीएड योग्यताधारी थे सारे अप्लाई किए ही हैं। तो उसमें भी होता ना कि इसका प्लस टू हाई स्कूल का पहले कर देता बहाली, तो यहाँ से भीड़ क्या होता, कम हो जाता, बहुत भीड़ कम हो जाती, जो कम मार्क्स वाले होते उनको भी मौका मिलता। लेकिन सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग खुद सोच के देखना, हर एक इंसान को ये बातें समझ में आती है कि जो नियोजन प्रक्रिया चल रहा है उसमें जो परेशानियाँ हो रही है, उसमें जो समस्याएँ आ रही है, वो कुछ भी उसमें ठीक नहीं है, कुछ भी उसमें सही नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे छोटे लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, बट गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रही है। जो नेता बैठे हुए हैं वहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रही है कि अभ्यर्थियों को क्या परेशानी हो रही है, या किस तरह से नियोजन प्रक्रिया करें जिसमें सबका बहाली सुनिश्चित हो सके। देखिएगा, सीट रहते हुए भी पूरा सीट भरेगा नहीं, स्थिति ऐसी आएगी, आप देख लेना। मैं बोल रही हूँ ना कि जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है ना, उसमें सीट रहते हुए भी पूरी सीटें नहीं भरेंगी और लोग फिर से वैसे ही बेरोजगार बैठे रह जाएंगे। कुछ लोगों का तो हो जाएगा, लेकिन सबका होना निश्चित नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात मेरा करवा भी लग सकता है, फिर मेरे पास कमेंट भी आ सकता है। कोई कोई लोग कमेंट कर देते हैं कि सबका होगा। अब मुझे तो उसमें कोई परेशानी नहीं, भगवान करे सबका हो। मैं तो चाहती ही हूँ, शुरू से ही आप लोगों का मदद करने का कोशिश कर रही हूँ, और मैं तो बिल्कुल दिल से चाहूँगी कि सबका हो जाए, क्योंकि मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर सबका होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन जो नीतियाँ हैं वो बहुत गलत है, और जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अभी तक देखो कि कितना सारा डेट दिया गया है नियोजन इकाई को कि इतने दिनों तक मेरिट लिस्ट प्रकाशित करिए, लेकिन कहीं भी किसी भी नियोजन इकाई के कान पे कहोगे तो जू तक नहीं रेंग रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपत्ति करने का डेट जो है 17 जनवरी ही है, वो समाप्त होने वाला है। अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है, जो मेरिट लिस्ट आया भी है सो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है।
फिर आपत्तियां कैसे होगी, आपत्ति के बारे में भी देखे होइएगा। मैं एक सूचना डाली थी उसमें दे रहा है ना कि जो अभ्यर्थी है वो स्वयं आके आपत्ति करेंगे, उसके बाद ही उनका आपत्ति स्वीकार किया जाएगा। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो अभ्यर्थियों को फेस करना पड़ रहा है, तो मैं उसी से रूबरू करवाने आज के वीडियो में आई हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा मेरे से पूछ रहे थे और मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी एक एक आदमी का, तो मैं सोची हूँ कि चलो उससे संबंधित एक वीडियो बना देती हूँ। अब आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है, जो भी होता है उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, जो मेरे द्वारा सॉल्व हो सकती है, मेरे जानकारी से, मेरे द्वारा मतलब आपको जानकारियाँ मिल सकती है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी, कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन